हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट 7 के सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक गिवन है, एन ओपन सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर है एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, दिस कंटेन्स वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कीवर्ड ओपन है। जो सर्कुलर सिलेंडर आपको गिवन है वो ओपन सर्कुलर सिलेंडर है। जो डायमेंशंस आपको बोली गई है वो यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर तो इसकी डायमीटर है, द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर हाइट आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वाटर जो आपका फिल्म है वो है 80 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। तो वाटर जो लेवल है वो 80 सेंटीमीटर की डेप्थ यहाँ पर कैरी कर रहा है। दिस इज 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर खाली है। तो खाली होगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एयर होगा। ठीक है, ये ओपन सिलेंडर है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस सरफेस विल नॉट बी हियर। ठीक है, ये ओपन सिलेंडर है, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यू कैन ड्रॉ दिस एज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओपन सिलेंडर था, डायमेंशंस गिवन है, इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाया जा रहा है। लेट सपोज दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अबाउट विच दिस सिलेंडर इज रोटेटेड। ठीक है, रोटेटेड जैसे ही इन्होंने बोला तो इसका मतलब क्या है कि आप रोटेशन करवा रहे हो। इसका मतलब ये कि फोर्स वोर्टेक्स फ्लो का ये केस यहाँ पर है। ठीक है, रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, फाइंड द स्पीड ऑफ रोटेशन व्हेन नो वाटर स्पिल्स। ठीक है, नो वाटर स्पिल्स एंड द एक्सियल डेप्थ इज जीरो। तो पहला केस ले लेते हैं कि वाटर बाहर ना जाए। ठीक है, वाटर बाहर ना जाए। यहाँ पर जब ये टॉपिक में पढ़ाता हूँ तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, वो ये है कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर पैराबोलॉइड यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, पैराबोलॉइड की जो ये डेप्थ है, ठीक है, पैराबोलॉइड की जो ये डेप्थ है इसको सिंबल दिया जाता है जेड से, इसको जेड बोला जाता है। और जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g से दिया जाता है। ठीक है, फॉर्मूले से भी नजर आ रहा है, इसको प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसको क्लासेस के अंदर मैं आपको प्रूफ देता हूँ इसका। तो यहाँ पर ओमेगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा। और इसी के अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जो जेड होता है इसमें फ्री सरफेस से जितना साइड्स में ये राइज किया है उतना ही एक्सिस पर क्या करता है, ये फॉल करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस डेप्थ को एक्स यदि कहें, इसको यदि वाई कहें, तो एक और प्रॉपर्टी आती है जिसमें मैं आपको प्रूव करवाता हूँ कि एक्स जो होगा वो वाई के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पर ये बाहर निकलना चाहेगा लिक्विड जस्ट बाउंड्री पर होगा तो उस समय का केस क्या होगा वो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो बेसिकली जब ये बाहर निकलने वाला होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको टच करेगा। ठीक है, अभी अभी आपने प्रॉपर्टी देखी है कि जितना एक्सिस पर ये नीचे जाता है उतना ही साइड्स में ऊपर जाता है। तो साइड में जो जगह बची हुई थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर की थी, और 20 सेंटीमीटर ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो Z का मैग्नीट्यूड होगा 20 सेंटीमीटर साइड्स में वो ऊपर चला गया और 20 सेंटीमीटर वो एक्सिस पर नीचे आ गया। ये दोनों चीजें हमेशा बराबर होती है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 40 सेंटीमीटर। तो Z क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 40 सेंटीमीटर का है, तो Z इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में हो जाएगा 40/100। दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.1 का ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, द फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने जाओगे तो ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा की जो यूनिट है वो रेडियंस पर सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा और ये मिल रहा है 28.014। ठीक है, द वैल्यू हियर इज 28.014। ठीक है, 014 एंड द यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आंसर छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप जो है रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर आंसर छोड़े। रोटेशंस की जब जब भी बात की जाए तो 2πn/60। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा, और ओमेगा का मैग्नीट्यूड है 28.014। तो यहाँ से आपको एन मिलेगा, एन का मैग्नीट्यूड है 267.52। ठीक है, दिस इज आरपीएम, 52 आरपीएम।
ठीक है, तो 5 to RPM। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो इतना होगा, ठीक है। सिंगल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है कि जितनी जगह यहाँ पर खाली थी उतना ही ये नीचे भी जाएगा। इसको डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड कहते हैं, जो कि रोटेशन के कारण फॉर्म हुआ। ये फॉर्मूला क्लासेस के अंदर डिराइव करवाता हूँ मैं आपको, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के अंदर, ठीक है, बर्नौली थ्योरम्स को यूज करके, ठीक है। 0.1, 0.2 लिया, ठीक है, सिलेंडर के बॉटम से जो है ऊंचाई लेते हैं Z1, Z2, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड आप फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो इसके इसका जो आंसर आ रहा है वो है RPM के अंदर 267.52 RPM, ठीक है। दूसरे पार्ट में इसने ये बोला है कि अगर यहाँ पर एक्सियल डेप्थ जो है वो जीरो हो जाए। एक्सियल डेप्थ कहते हैं इसको, इसको देख लो जरा कि यहाँ पर जब ये रोटेट होगा तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो सेंटर पर यानी कि एक्सिस पर जो डेप्थ वाटर की यहाँ पर मिल रही है ये बेसिकली एक्सियल डेप्थ कहलाती है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सियल डेप्थ ऑफ वाटर। तो एक्सियल डेप्थ का मैग्नीट्यूड कितना करना है, जीरो करना है। इसका मतलब इसको इतना रोटेट करेंगे कि ये जो है बॉटम एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जेड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर सिर्फ यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा और बॉटम जस्ट एक्सपोज हो जाएगा, उसी कंडीशन में एक्सियल डेप्थ आप जीरो कहेंगे, ठीक है। एक्सियल डेप्थ जीरो है, इसके लिए ओमेगा मान लेते हैं, दिस इज ओमेगा हियर, ठीक है। फिर से इक्वेशन लगा सकते हैं कि जेड जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g होगा, ठीक है। तो जेड यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि जेड 100 सेंटीमीटर हो गए। 100 सेंटीमीटर का मतलब है दिस इज 1 मीटर, ठीक है, मीटर के अंदर कन्वर्ट किया। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां से ओमेगा आपको कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली ज्यादा आएगा पिछले वाले केस से। तो दिस इज 44.294, दिस इज इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में इतना है। फिर से आप इसको n में कन्वर्ट करवाएंगे तो 2πn/60, दिस इज ओमेगा 44.294। तो यहां से n आपको मिल जाएगा, दिस इज 422.98 RPM, ठीक है। रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर जो आंसर आप छोड़ेंगे वो हो जाएगा 422.98, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का बी पार्ट, द फॉलोइंग आर द बेयरिंग्स टेकन ऑन द क्लोज्ड कंपास ट्रैवर्स, ठीक है। क्लोज्ड का पता यहां से भी लगता है कि ए से स्टार्ट होकर के ए पर फिनिश कर रहे हैं, दिस इज द क्लोज्ड ट्रैवर्स, ठीक है। कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स एंड करेक्ट देम फॉर द ऑब्जर्वेशनल एरर्स। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब जब भी आपका ये कंपास से क्वेश्चन आए तो डायरेक्शन डायग्राम जरूर बनाए। तो यहाँ पर तो पूरा क्लोज ट्रेवर्स बनेगा, ठीक है। तो क्लोज ट्रेवर्स यहाँ पर हम रफ क्लोज ट्रेवर्स यहाँ पर बना लेते हैं। कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स एंड करेक्ट देम फॉर द ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। इस डाटा को यूज करते हुए इंटीरियर एंगल्स बनाने और अगर कुछ एरर है तो उसको आपको दूर करनी है। एज्यूमिंग द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी, तो पहला टास्क तो ये हो गया। दूसरा टास्क है कि लाइन ए बी की बियरिंग को करेक्ट मानते हुए बाकी सभी आपको साइड्स की बियरिंग को करेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमको यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं, एक रफ फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो रफ फिगर कैसे ड्रॉ होगा वो देख लेते हैं जरा। स्टार्ट करते हैं, बियरिंग्स जो है 4 बियरिंग्स को आप रीड करते जाओ और एक रफ डायग्राम यहाँ पर बना दो, ठीक है। तो ए से स्टार्ट किया, साउथ ईस्ट के अंदर है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से स्टार्ट किया, लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, साउथ ईस्ट के अंदर जाना है तो दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी आपको मिल गया, साउथ ईस्ट में कुछ जाना था आपको 37° 30 मिनट से, ठीक है। उसके बाद में BC है साउथ वेस्ट के अंदर, ठीक है, 43° 15 मिनट, ठीक है। तो 43° 15 मिनट, तो यहां पर आपका साउथ वेस्ट के अंदर ये आपका पॉइंट C आ जाएगा, दिस इज योर पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C के बाद में CD की जो बियरिंग है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो CD की बियरिंग है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में 73 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में 73 डिग्री, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर ये आपका D पॉइंट आ गया, दिस इज योर D पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में ई पॉइंट के लिए नॉर्थ ईस्ट में है 12° 45 मिनट, ठीक है। तो 12° 45 मिनट, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, दिस विल बी योर ई पॉइंट। और डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ई ए जो आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो डायग्राम को यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से क्लोज कर देंगे, दिस इज योअर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ एंगल से ये ए पर जाकर के क्लोज हो रहा है। तो ये हमने रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है। जो सिचुएशन आपको दे रखी, जो डाटा दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर रफ डायग्राम आपका रेडी है, ठीक है। दूसरी चीज, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स एंड करेक्ट देम फॉर द ऑब्जर्वेशनल एरर्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक है, उसी से फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली आपको ये बताना है कि इंटीरियर एंगल ए का कितना है। तो इंटीरियर एंगल ए का यदि बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ए है, ठीक है, लाइन ए, या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं कि लाइन ए की आप बैक बियरिंग देखें तो लाइन ए की बियरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली लाइन ए की बियरिंग, ठीक है, लाइन ए की बियरिंग जो होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं कि अगर आप बियरिंग लिखोगे लाइन ए की तो वो बियरिंग ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से लाइन ए बी की बियरिंग ये होगी। तो अगर आप लाइन ए की बियरिंग में से ए बी की बियरिंग को माइनस कर दोगे तो क्या ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो बेसिकली आपको 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 यहाँ पर ये करना है कि बैक बियरिंग, ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए, ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ई ए आप बोल दो, ठीक है, क्योंकि ई ए का डाटा आपके पास में है, या सीधा सीधा बियरिंग बोलता हूँ मैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा इसको बियरिंग लिख लो, ठीक है। तो देखते हैं जरा द बियरिंग, ठीक है, द बियरिंग ऑफ लाइन ए, ठीक है, इसमें से माइनस करना है द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो आपको एंगल ए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं कि बियरिंग ऑफ लाइन ए का क्या मतलब है। तो लाइन ए की जो बैक बियरिंग है वो बियरिंग ऑफ लाइन ए हो जाएगा, तो दिस इज द बियरिंग, और ए बी की जो फोर बियरिंग है ये लाइन ए बी की बियरिंग होगी, तो दिस माइनस दिस करना है, तो साउथ 59 डिग्री, तो दिस इज बेसिकली साउथ 59 डिग्री, ठीक है, 59 डिग्री वेस्ट, इसमें से माइनस करना है साउथ 37 डिग्री 30 मिनट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो इसको यदि आप कैलकुलेट करें तो ये साउथ वेस्ट से यदि आप इसको देखें, ठीक है, तो साउथ वेस्ट इधर आएगा, इसका मतलब ये जो बियरिंग है वो आपकी 180 प्लस 59 है, और साउथ ईस्ट की जब बात करेंगे तो 180 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 180 माइनस 37 डिग्री 30 मिनट, आपने WCB में कन्वर्ट किया, 180 से 180 विल कैंसिल आउट एंड द रिजल्ट इज 96 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है, 96 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर मार्क कर देता हूं मैं एंगल, देखो एंगल ए जो आया है वो 96 डिग्री 30 मिनट आपका आ रहा है, ठीक है, 96 डिग्री 30 मिनट। इसी तरीके से एंगल बी पर यदि चलें, ठीक है, एंगल बी पर यदि चलें, तो एंगल बी का मतलब ये, इसको निकालने के लिए इसकी बियरिंग में से ये वाली बियरिंग आप माइनस कर दो तो एंगल बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार कहानी बना चुके हैं कि प्रीवियस लाइन की बियरिंग, प्रीवियस लाइन की बियरिंग और फॉरवर्ड लाइन की बियरिंग का डिफरेंस आप लेते हुए चलो, ठीक है। तो अगर आप बी पर हो तो बी पर प्रीवियस तो ये है और इसकी फॉरवर्ड कितनी है, फॉरवर्ड ये है, तो दिस माइनस दिस कर देंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एंगल बी के लिए यहां पर रिजल्ट बना रहे हैं आप, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू प्रीवियस इज नॉर्थ 37 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ 37 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, फॉरवर्ड वाला, यानी कि साउथ 43:15 वेस्ट, ठीक है, तो दिस इज साउथ 43:15 वेस्ट, इसको माइनस कर दो तो एंगल बी मिल जाएगा। और एंगल बी यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट था ये, तो दैट इज 360 में से माइनस करें 37 डिग्री 30 मिनट माइनस ये साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट का मतलब है दिस इज 180 प्लस 43 डिग्री 15 मिनट, WCB में कन्वर्ट किया और यहाँ से आपको रिजल्ट मिला दिस इज 99 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, 99 डिग्री 15 मिनट। तो एंगल बी भी आ गया आपका, एंगल बी इज 99 डिग्री एंड 15 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से एंगल सी कैलकुलेट होगा, तो एंगल सी की कहानी क्या कहेगी कि ये वाला जो एंगल है इसमें से इस एंगल को आप माइनस कर दो, ठीक है, तो एंगल सी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली अब सारे रिजल्ट्स मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो सिमिलर कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल सी इज यहाँ पर, जब आप इसको डिफरेंस लोगे, ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं आपको एंगल सी किस तरीके से कैलकुलेट होगा। एंगल सी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एंगल सी का जो मैग्नीट्यूड है प्रीवियस, यानी कि नॉर्थ 44 15 ईस्ट, तो नॉर्थ 44 15 ईस्ट, इसमें से माइनस होगा, ठीक है, नॉर्थ 73 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ 73 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो जब आप इसकी बियरिंग लिखने जाएंगे WCB में, ये तो सेम होगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट था तो दिस इज 360 माइनस 73 डिग्री। तो यहां पर जब सॉल्व करोगे नेगेटिव में मिलेगा माइनस 242 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट। नेगेटिव जब भी मिले तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फुल सर्किल यानी कि 360 के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा 117 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। जो रफ डायग्राम बनाया था उसमें चेक भी कर सकते हैं आप,
कि रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल सी का मैग्नीट्यूड लगभग 117 डिग्री। हाँ ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये लगभग 117 डिग्री के आसपास आपको रफ डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो एंगल सी आ जाएगा 117 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से एंगल डी कैलकुलेट करेंगे, वो आ रहा है आपका 95 डिग्री और एंगल ई आपका निकल करके आ रहा है दैट इज 133 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपके कैलकुलेट हो गए। अब इन सभी एंगल्स का समेशन करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सारे एंगल्स का समेशन करो। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ये आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना है वो यहां पर नोट करते हुए चलते हैं। तो एंगल ए आया था 96 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, एंगल बी आया था 99 डिग्री 15 मिनट, एंगल सी आया है 117 डिग्री 15 मिनट, एंगल डी है 95 डिग्री और एंगल ई है 133 डिग्री एंड 15 मिनट। एंगल ई इज 133 डिग्री 15 मिनट। इनका सबका जो समेशन है वो है 541 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक है, ये समेशन है। अब जो आपके पास में यहाँ पर पॉलीगन है, ठीक है, जो ट्रैवर्स पॉलीगन है उसकी साइड्स कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, वर्टिसेस से भी देख सकते हो आप, जितने वर्टिसेस होंगे उतनी ही साइड्स होगी। तो ए बी सी डी ई टोटल 5 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। हम जानते हैं कि जो थ्योरेटिकल सम होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल सम जो होता है वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्लासेस के अंदर फिर से डिराइव करवाया जाता है, 2n-4 राइट एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 × 5 − 4 × 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54, दैट इज 540 डिग्री। लेकिन आपको जो कैलकुलेशन, जो आपको जो डाटा दिया गया था उससे रिजल्ट इतना आया था, लेकिन 540 पर पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आपको इस रीडिंग को, इन सभी वैल्यूज को करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्शन कितना अप्लाई करना पड़ेगा, वो हो जाएगा माइनस करना पड़ेगा, तो −1 °15, इसका मतलब हो जाएगा −75 का आपको टोटल एंगल जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो सभी में, ठीक है, करेक्शन इन ईच एंगल, टोटल 5 एंगल्स है, समेशन का टोटल जो है वो आपका −75 के बराबर आ रहे हैं, तो 5 में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो −15, तो 15 माइनस कर दे सभी एंगल्स में से करेक्ट करने के लिए, तो 15 माइनस करते हुए चलो। ठीक है, तो अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं, 15 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ पर आपके पास में करेक्शन के बाद में जो एंगल्स हैं वो क्या है, वो यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो करेक्शन के बाद में ये वाला जो एंगल है ये 96 डिग्री एंड 15 मिनट बन जाएगा, ये आपका 99 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, करेक्शन के बाद में ये आपका 117 डिग्री बन जाएगा, ये आपका 94 डिग्री एंड 45 मिनट बन जाएगा, और ये आपका 133 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इनको ऐड करोगे तो सभी का समेशन 540 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रैवर्स आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है, जो करेक्ट एंगल्स है वो आपके ये है, अगर सिर्फ एंगल्स पूछने होते उसको तो आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है, ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ लाइन ए बी को करेक्ट मानते हुए बाकी बियरिंग्स को आप क्या करें, करेक्ट करें। ठीक है, तो आपकी जो बियरिंग्स यहाँ पर दे रखी है, इन बियरिंग्स के अंदर, इन सभी बियरिंग्स के अंदर आपको ये बोला गया है कि ए बी की बियरिंग तो करेक्ट है, बाकी सबको करेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बियरिंग्स दे रखी है ए बी की बियरिंग, ठीक है, ए बी की अगर आप 4 बियरिंग देखें तो वो ये करेक्ट वैल्यू को बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है बैक बियरिंग आपको डिफरेंट दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बैक बियरिंग और 4 बियरिंग में अगर करेक्टली डाटा मेजर किया जाता है तो 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो डब्ल्यू सी बी में 180 डिग्री डिफरेंस, और अगर आप जाते हैं क्यूबी सिस्टम में तो साउथ की जगह नॉर्थ और ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाता है, एंगल का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो यहाँ पर ये पहले से ही करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं आप बीसी पर चलते हैं, तो बीसी को करेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो बीसी को करेक्ट करना है, तो बीसी को करेक्ट करने चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, हमको बीसी को करेक्ट करना है, और ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, एंगल बी हमारे पास है। ठीक है, एंगल बी ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारे पास है, इसकी बियरिंग
हम निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सारा का सारा फोकस करो कि हमको थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों एंगल्स को आप सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो थीटा निकल जाएगा। और ए बी की बियरिंग पता है, ठीक है, और बी ए की बियरिंग भी पता है आपको, तो ये वाला एंगल भी आपको पता है, ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वॉट विल बी द करेक्ट बियरिंग। तो उसके लिए थीटा निकाल करके बता देता हूँ मैं आपको, यही दिखा देते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी कैलकुलेशन भी ऐसी होगी कि अगर आपको थीटा निकालना है तो ये तीनों एंगल्स का समेशन 180 है, तो 180 में से बाकी दो एंगल्स घटा दो, तो ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री एंड 30 मिनट है, ठीक है, 37 डिग्री एंड 30 मिनट यहाँ पर है। ये वाला एंगल, एंगल बी ऑलरेडी करेक्ट किया हुआ है, 99 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये 99 डिग्री थीटा निकालना है। तो दिस विल बी -37 डिग्री 30 मिनट एंड -99 डिग्री। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू आ रही है 43 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, तो 43 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर आ रहा है। और ये फिगर से नजर आ रहा है कि ये कहाँ पर है, दिस इज साउथ दिस इज वेस्ट, तो बेसिकली साउथ वेस्ट में थीटा एंगल पर, यानी कि इतने एंगल पर है, तो बी सी की बियरिंग यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो बी सी की जो करेक्ट बियरिंग है, बी सी की जो करेक्ट बियरिंग है उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो यही लिख देते हैं, बी सी की जो करेक्ट बियरिंग है दैट इज साउथ से वेस्ट की तरफ कितने एंगल पर, 43 डिग्री 30 मिनट वेस्ट पर, ठीक है। और BC की अगर बियरिंग आ गई तो आप इसकी बैक बियरिंग भी लिख सकते हैं। तो बैक बियरिंग ऑफ BC, ये तो फॉरवर्ड बियरिंग है, बैक बियरिंग हो जाएगी साउथ की जगह नॉर्थ और वेस्ट की जगह पर ईस्ट, 43 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा आपका करेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आ रहा है ये 43 डिग्री एंड 30 मिनट आ रहा है, ठीक है, 43 डिग्री 30 मिनट। तो बाकी आंसर्स भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सिमिलर कैलकुलेशन से बाकी आंसर निकलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लाइन ले रहे हैं तो लाइन ए बी, ये तो ऑलरेडी करेक्ट था, लाइन बी सी के लिए हमने फॉरवर्ड बियरिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी है, ठीक है, और बैक बियरिंग जो है वो भी हम यहाँ पर नोट करते चलेंगे। ए बी ऑलरेडी डाटा में जो गिवन था वो करेक्ट था, बी सी की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है साउथ में 43 डिग्री 30 मिनट एंड दिस वॉज वेस्ट, ठीक है, साउथ की जगह या नॉर्थ 43 डिग्री 30 मिनट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। बी सी के बाद में सिमिलरली हम सी डी की बियरिंग निकालेंगे, तो दैट विल बी नॉर्थ, ठीक है, 73 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 73 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ की जगह पर हो जाएगा साउथ, एंगल सेम रहेगा, ठीक है, और वेस्ट की जगह पर हो जाएगा ईस्ट। ये बैक बियरिंग के अंदर रिलेशन है, अगर डब्ल्यू सी बी में देखें तो 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। सी डी की कैलकुलेशन में मैं दिखा देता हूँ आपको कि सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ये रफ स्केच फिर से काम आएगा, ठीक है, तो क्या करना है वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो अगर आपको बियरिंग बतानी है सी डी की, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सी डी की बियरिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर डायग्राम से देखो, ठीक है, सी डी की बियरिंग बताने के लिए आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, आपको थीटा एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाली जो बियरिंग है इसका एंगल पता है कि आपको, ठीक है, सी बी के लिए आपको एंगल पता है, अभी अभी हमने करेक्ट किया है, ठीक है, तो सी बी के लिए जो एंगल है 43 डिग्री 30 मिनट का है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये 43 डिग्री 30 मिनट का है, ये टोटल एंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एंगल सी, ठीक है, तो एंगल सी कितना था, एंगल सी था 117 डिग्री, ठीक है, तो दिस वॉज 117 डिग्री। तो साफ साफ नजर आ रहा है थीटा कैसे निकलेगा, 117 टोटल में से 43-30 को घटा दो, ठीक है, 117 टोटल में से 43-30 को घटा दो, और ये किधर जा रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ से वेस्ट में थीटा एंगल पर, ठीक है, तो 117 में से 43-30 घटा दो, ठीक है, तो 117 में से 43-30 घटाओगे तो ये आ जाएगा 73 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और कहाँ गया था ये, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। बाकी चीजें भी आप ऐसे ही चेक कर लेंगे, तो डी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और ई ए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डी का जो एंगल है वो है नॉर्थ से 11 डिग्री, ठीक है, दिस इज 45 मिनट, नॉर्थ से 11 डिग्री, ठीक है, दिस इज नॉर्थ से 11 डिग्री 45 मिनट ईस्ट की तरफ, ठीक है, और नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा, 11 डिग्री 45 मिनट ईस्ट की जगह पर वेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपका आंसर है ई ए के लिए वो है नॉर्थ से 58 डिग्री एंड 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट ईस्ट, एंड दिस विल बी साउथ से 58 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, 58 डिग्री 45 मिनट। सो दीज विल बी द आंसर्स, ठीक है। कैलकुलेशन काफी सिंपल है, आप जब भी कंपास से क्वेश्चन आए
डायरेक्शन डायग्राम यानी कि फिगर रेडी रखो और फिगर से ही कंक्लूड करो कि कौन सा जो है यहाँ पर रिलेशन बैठेगा जो आगे की कैलकुलेशंस पे भी सिमिलर वे में आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट का डी पार्ट, ए फार्मर विशेस टू हैव हिज ओन पंप, पंप सेट फार्मर लगाना चाहता है फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न टू बी फॉलोड इन 5 acres ऑफ हिज लैंड। ठीक है, तो टोटल जो एरिया गिवन है वो 5 acres का गिवन है। कैलकुलेट द राइट साइज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, आपको बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए, लीटर पर सेकंड में आपको उसका आंसर छोड़ना है। फॉर ईच क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ द पंपिंग आवर्स पर डे इज 10। ठीक है, पंपिंग आवर्स यानी कि जब पंप चलेगा तो हर एक क्रॉप के लिए एक दिन के अंदर 10 घंटे के लिए चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली वीट के लिए जो डाटा गिवन है, ठीक है, वीट का डाटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सिमिलरली बाकी जो है यहाँ पर चलेगा। तो सारी जो फसल यहाँ पर दे रखी है वो रबी की क्रॉप्स यहाँ पर दी गई है। वीट के लिए 2 hectare के अंदर जो है सिंचाई हो रही है। ठीक है, 2 hectare के अंदर खेती हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन जो है वो 7.5 centimeter है, यानी कि ये डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड है। ठीक है, तो 7.5 centimeter का डेप्थ इतने एरिया में देना है, तो यहाँ से बेसिकली वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा, टाइम यहाँ पर 10 घंटे का दे रखा है, तो डिस्चार्ज जब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आप यूज करोगे डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 12 दिन का रोटेशन पीरियड है, इसका मतलब क्या है, हर 12 दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन जो है वो मोटर चलाई जाएगी 10 घंटे के लिए और इतना पानी जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वीट के लिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वीट में कितना वॉल्यूम जो है वो दिया जा रहा है। तो वीट के लिए वॉल्यूम कितना है, तो वो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ विच इज अप्लाइड। ठीक है, तो एरिया क्वेश्चन में 2 hectare का है, तो 2 × 10⁴ m² मल्टीप्लाइड बाय 7.5 centimeter, तो 7.5 / 100, ये भी आपने मीटर में रखा तो मीटर क्यूब में रिजल्ट मिल रहा है आपको, दिस इज 1500 m³। तो वीट के लिए जो टोटल वॉल्यूम दिया जाएगा यानी कि जो वाटर सप्लाई किया जाएगा वो 1500 m³ का होगा, और कितने टाइम में करना होगा, 10 घंटे के अंदर ये सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, और 12 दिन का रोटेशन पीरियड है, यानी कि हर 12 दिन के बाद में आपको जो है पानी इतना देना पड़ेगा। तो वीट के लिए तो ये डाटा है, बाकी चीजों के लिए भी निकाल लेते हैं, कॉटन के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कॉटन के लिए कितना वॉल्यूम होगा, तो कॉटन का जो वॉल्यूम है फिर से एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ कर दो, तो 0.4, ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, दिस इज 7.5। ठीक है, दिस वाज अगेन 7.5, तो 7.5 आप यहां पर लेकर के चलाएं। ठीक है, तो 7.5 / 100 जो रिजल्ट था वो आपका आ रहा है 300 m³ का। ठीक है, कॉटन के लिए जो टोटल वाटर सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, वो होगा 300 m³ का। इसी तरीके से वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, रबी क्रॉप में वेजिटेबल्स भी आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो एरिया, ठीक है, टेबल से आप देख सकते हैं एरिया है 0.4 hectare × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ अप्लाइड। ठीक है, तो डेप्थ अप्लाइड इज गिवन सेम 7.5 / 100, तो दिस इज 300 m³, इतना देना पड़ेगा वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कॉटन का हो गया, वेजिटेबल्स का हो गया 0.4, ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 और 10 डेज का वहां पर रोटेशन पीरियड है। ठीक है, अब 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 50, दिस विल बी फॉर द मस्टर्ड। ठीक है, तो मस्टर्ड के लिए, ठीक है, मस्टर्ड के लिए जो सप्लाई देनी होगी वो होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.2 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ, डेप्थ इज 5 centimeter, तो 5 / 100, तो यहाँ से वॉल्यूम आ रहा है 1100 m³। ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर जब आप सप्लाई करोगे 10 घंटे के लिए जब मोटर चलाओगे, ठीक है, तो कभी इसके लिए चलाया, कभी इसके लिए चलाया, कभी इसके लिए चलाया, कभी इसके लिए चलाया, ताकि जो है ये रोटेशन पीरियड के विदिन जो है इनको पानी दे दिया जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सप्लाई एक दिन में जरूरत पड़ेगी वो वीट के लिए है, तो इन सब में जो मैक्सिमम है वो सप्लाई आप देखो, तो मैक्सिमम सप्लाई जो दी जा रही है वो वीट के लिए दी जा रही है, तो दैट इज 1500 m³। ठीक है, और ये कितने टाइम के अंदर सप्लाई देनी पड़ेगी, टाइम गिवन है 10 घंटे का, 10 घंटे के अंदर मोटर चलेगी और इतनी सप्लाई देनी है। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 1500 m³ / 10 hours। ठीक है, तो दिस इज इन m³, तो m³ को कन्वर्ट करवाओ क्योंकि लीटर पर सेकंड में आंसर देना है, तो दिस इज इतना लीटर्स। ठीक है, और ये 10 आवर्स था तो 3600। ठीक है, तो ये आपका सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आ रहा है 41.67 लीटर पर सेकंड, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था कि कितनी बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इस कैपेसिटी की मोटर लगानी पड़ेगी जो कि इतना डिस्चार्ज दे पाएगी। ठीक है,